हेलो गाइस, वेलकम टू गैजेट टूर। आज मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ आपके आधार से रिलेटेड, आधार कार्ड जो होता है उससे रिलेटेड। सो आधार कार्ड की सबसे अभी अभी की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है पर्सन की। गवर्नमेंट के सभी स्कीम में इसे लिंक कराना जरूरी हो गया है। रेलवे के रिजर्वेशन से लेके मोबाइल के सिम में भी आधार कार्ड की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि बैंक के अगर अकाउंट भी ओपन कराना रहा है, बैंक का करंट अकाउंट भी चलाना रहा, तो भी आधार को लिंक कराना अब ज़रूरी हो गया। इवन हर सेक्टर में आधार कार्ड का यूज़ ज़रूरी ही हो गया है हर पर्सन के लिए, हर यूज़र्स के लिए। सो इसके लिए हमेशा हमें एक टेंशन हमेशा रहती है कि कहीं हमारा आधार कार्ड का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, कहीं हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई चोरी तो नहीं कर रहा, ये सब की हमें हमेशा ही टेंशन लगी रहती है। इस टेंशन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो आज आपको बनाया है कि इसके मदद से आपको पता लगेगा कि आपका आधार कार्ड कहाँ यूज़ हो रहा है, वो यूज़ होने का टाइम क्या है, प्लेस क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि यह आधार की सब इन्फॉर्मेशन कहाँ यूज़ होने वाली है। आपको बस इसके लिए एक ही काम करने की ज़रूरत है, वो है आपकी ईमेल आईडी डालना, मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक साइट करके UIDAI, ये एक साइट करके न्यू गवर्नमेंट ने ये निकाला हुआ है। अगर आप इसमें अगर अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं तो आपको आपका ईमेल कहाँ यूज़ हो रहा है, आपका आधार कार्ड कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कौन सी जगह है और किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ये आपको सब आपको ईमेल के जरिए पता लग जाएगा। बस आपको इसके लिए इस साइड में जाकर UIDAI के पोर्ट पर अपडेट करना होगा। अगर आपकी न्यू आईडी है तो भी आप अपडेट करा सकते हैं, आपकी ओल्ड आईडी है दूसरे आईडी से आपको ये कराना है तो वो भी करा सकते हैं आप। अगर आपको ऑफलाइन भी कराना रहा तो आप आधार कार्ड आपके घर के पास में जो भी आधार कार्ड का सेंटर हो वहाँ पर जाकर भी आप ये काम करा सकते हैं। क्या क्या जानकारी दे रही है ये साइट UIDAI की तरफ से, आधार यूज़र्स को बाकायदा ईमेल से जानकारी मिलेगी कि आपका आधार कार्ड कहाँ कितने बजे और क्यों यूज़ हुआ है। ओपन नोटिफिकेशन नहीं किया तो आप 1947 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या फिर help@uidai.gov.in पर ईमेल कर शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं इस चीज़ के लिए। इसके लिए फीडबैक भी लिया जा रहा है, इतना ही नहीं UIDAI के तरफ से आम लोगों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। इसमें यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका आधार यूज़ आपकी सहमति से हुआ है या आपको इसका उद्देश्य बताया गया है, साथ ही यह भी पूछा जा रहा है कि कितनी बार आपके ऑथेंटिफिकेशन लिया गया है, फॉर्म में यस और नो के ऑप्शन दिए गए हैं या नहीं, ये सब आपको पूछ के फीडबैक दे के ही ये UIDAI ये काम कर रही है। अब मैं आपको उसकी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको कैसे वहाँ पर जाकर अपना ईमेल आईडी सेट करना है, अपडेट करना है। ये साइट ओपन हो जाने के बाद में आपको ये करना है, नया पेज ओपन होगा जिसके नीचे की तरफ रिक्वेस्ट फ्रॉम आधार अपडेट ये लिखा होगा, उसके नीचे अपडेट आधार डिटेल ऑनलाइन लिखा होगा, उस पर क्लिक करें। पहले तो उस पर क्लिक करने के बाद में फिर नया पेज ओपन होगा, इसमें क्लिक हर पर क्लिक करें। यहाँ पर एक ऐड भी आएगा आपको, उसे इग्नोर कर दें। ये सब आपके मैं आपके स्लाइड पर दिखा ही रहा हूँ, आप देख ही सकते हैं पिक्स में, वैसे वैसे करिए। फिर उसके बाद में नया पेज ओपन होगा जिसमें अपना आधार नंबर डालें और टेक्स्ट वेरिफिकेशन के बाद सेंड OTP पर क्लिक करें। मोबाइल पर आए OTP फिल कर लॉगिन पर क्लिक करें। आपको आधार वेरिफिकेशन कराना होगा, उसमें आपको एक OTP आएगा आपके जो आपने मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद में आपको उसे वेरीफाइड कराना होगा। उसके बाद नया पेज ओपन होगा जिसमें आप क्या अपडेट करना चाहते हैं सिलेक्ट करना होगा, मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर ले। उसके बाद न्यू ओपन हुए पेज पर मोबाइल नंबर डालकर सबमिट अपडेट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर दें। अब नंबर वेरीफाई कर प्रोसीड पर
क्लिक करें, अब प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सो ऐसे करके आप अपने आधार कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन जो जहाँ भी यूज़ हुआ ये आपको ये UIDAI के तरफ से आपको ईमेल के जरिए सतर्क कर दिया जाएगा। हमेशा आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है और किस जगह यूज़ हो रहा है और कब यूज़ हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए गैजेट टूवर। ये करके दिखाओ, ये फिर ये अब ये करके